Assalamu alaikum everyone, this is Mac here and I welcome you all to my YouTube channel which is called Mac Vlogs. तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है. आज का फर्स्ट डे था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया. दोनों एशियन टीम्स ने बहुत अच्छा किया. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को लेस देन 300 ऑल आउट किया, सो विच वॉज अ रियली ग्रेट साइन. पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ के बारे में, बेसिकली बिकॉज ये हमारा थर्ड टेस्ट मैच है जिसमें अगर पाकिस्तान जीतता है तो सीरीज़ 2-1 इंग्लैंड से जीत जाएगा. अल्लाह करे ऐसा ही हो. लेकिन और फिर उसके बाद हम न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया की बात करेंगे जो उनका दूसरा टेस्ट मैच है. तो पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड. इंग्लैंड को हमने 267 ऑल आउट कर दिया. अगेन जैसे हमारी क्रिकेट बोर्ड ने पहले कहा कि हमारे पास टूल्स नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड टेस्ट मैच के बाद से ही हमारे पास टूल्स जमा होने लग गए हैं, जिसमें साजिद खान और नुमान अली जो वन ऑफ द मेन वेपन्स द स्पिनर्स जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट के बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर्स हैं, उनने पिछले टेस्ट मैच में भी दोनों ने मिलकर 20 विकेट्स ली जिसकी वजह से हम वो टेस्ट मैच जीत सके. और कमिंग बैक टू द थर्ड टेस्ट मैच, अगेन पिंडी के ऊपर हीटर्स इंडस्ट्रियल फैंस लगा के ताकि पिच के मॉइस्चर को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की. जैसे आकिब जावेद साहब जो चीफ सेलेक्टर बन चुके हैं, उनने अर्ज़ किया था कि आप मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए वो ऐसा करें जिससे हमारे स्पिनर्स को हेल्प मिल सके. सो दिस वाज रियली नाइस इनिशिएटिव बाय आकिब जावेद जो पिछले टेस्ट में हमने देखा, तो जिसकी वजह से हम इस टेस्ट मैच में एक फास्ट बॉलर जो ऑलराउंडर के तौर पे आमिर जमाल के साथ उतरे, लेकिन बाकी तीन स्पिनर्स के साथ हम गए. लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि फ़ास्ट बॉलर ने ओपनिंग नहीं की इस टेस्ट मैच में. इसमें दोनों में साजिद खान ने और नुमान अली ने ओपनिंग की विद द न्यू बॉल एंड विद द ओल्ड बॉल. दे बोथ बोल्ड एक्सट्रीमली वेल, जिसकी वजह से हमें कामयाबी मिली ऑफ कम्प्लीटली बोल्ड आउट न्यूजीलैंड फॉर 267, जिसमें हाईएस्ट स्कोर 89 था उनके विकेट कीपर बैट्समैन जेमी स्मिथ की. अच्छी बात यह है कि हैरी ब्रोक और जो रूट जो मेन बैट्समैन थे फर्स्ट टेस्ट मैच में डबल और ट्रिपल 100 में, उसको साजिद खान ने फिर से दूसरे टेस्ट मैच के बाद इस टेस्ट मैच में भी हराया. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है साजिद खान. एंड अगेन मैं फिर भी यही कहूँगा सेलेक्टर्स को कि जब आप अभी तक हमारी वनडे स्क्वाड भी अनाउंस नहीं हुए ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए ना T20, वेट किया जा रहा है क्योंकि PCB चेयरमैन दुबई से वापस आएंगे तो फिर शायद अनाउंस होगा कि कप्तान कौन बन रहा है और टीम क्या बन रही है. अगर आपको लगता है कि साजिद खान एज अ ऑफ स्पिनर फ्यूचर सीरीज़ के लिए स्पेशली वन डेज में भी इंडक्ट किया जा सकते हैं तो उसको ज़रूर ट्राई आउट करें. हमारे पास स्पिनिंग में डिपार्टमेंट में भी कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे. इट वुड बी अ रियली अमेजिंग. तो साजिद खान को मैं फ्यूचर देख रहा हूँ. ठीक है, एज उनकी जो भी है, लेकिन एटलीस्ट एट द मोमेंट जो आपके पास मेक शिफ्ट ऑप्शन हैं तो उसको यूटिलाइज़ करें. जब हम मिसबाह उल हक को 31 ईयर्स के बाद टीम में लेकर आ सकते हैं, 32 ईयर्स के बाद लेकर आ, एंड ही वेंट ऑन टू प्ले टिल 41 ईयर्स ऑफ हिज एज. एज़ यू नो, जब आप टैलेंट की बात करते हैं और जो कहते हैं कि टूल्स नहीं हैं, तो हमारे पास जो भी प्लेयर्स डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके पास तजुर्बा है, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनको टेस्ट मैचेस में और वन डेज में आप ज़रूर लेकर आ सकते हैं. एनीवे, कमिंग बैक टू द फर्स्ट टेस्ट मैच, अगेन जैसे कि मैंने कहा कि हमने इंग्लैंड को 267 ऑल आउट कर दिया, जिसके रिप्लाई में पाकिस्तान अगेन एज सो कॉल अनप्रिडिक्टेबल बैटिंग लाइनअप होने की वजह से 46-3 हैं अगेन. सो आज का दिन पूरा समाप्त हुआ होगा जिसकी वजह से हम कल सेकेंड डे में हमारे पास 90 ओवर्स होंगे. लेट्स सी कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में कम बैक करता है और एक ही इनिंग यानी लंबा स्कोर कर पाए अगर 500 प्लस रन्स, ताकि उनको सेकेंड इनिंग्स में और फोर्थ इनिंग्स में फिर से बैटिंग करने का मौका ना मिले, क्योंकि स्पिनर्स यूज़फुल हैं, उनको वो ट्रैक्स जिनको वो बेस्ट फ़ायदा उठा सकते हैं अपने स्पिनर्स के ज़रिए, तो इट वुड बी बेटर कि वो कर लें. ठीक है, कोशिश करें कल शान मसूद एज अ कैप्टन अगेन नॉक विच साउथ शकील मोहम्मद रिजवान सलमान अली आगा नुमान अली जो भी थोड़े बहुत यूजफुल कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं तो करें, और ताकि पाकिस्तान टीम को ज़्यादा से ज़्यादा लीड मिल सके. दैट वुड बी अमेजिंग. उसके साथ साथ ये थी पाकिस्तान और इंग्लैंड के बारे में. अब मैं बात करना चाहूँगा इंडिया और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है. फर्स्ट टेस्ट मैच न्यूजीलैंड जीत गया था विद रिमार्कबल परफॉर्मेंस के साथ. अब ये सेकंड टेस्ट मैच में हम देखना चाहते हैं कि इंडिया क्या करेगा. क्यों? क्योंकि अभी इंडिया की बैटिंग तो नहीं आई है, उनने आ गई मेरे ख्याल से, आई एम सो सॉरी, उनने ऑलरेडी रोहित शर्मा को 0 पे आउट कर दिया है.
again the captain was bowled out by Southie and New Zealand कल देखते हैं कि वो इंडिया को क्या करता है. तो ये आज ये थोड़ी बहुत दो टेस्ट मैचेस के बारे में मेरी ऑब्जर्वेशंस और मेरे एनालिसिस थे. आने वाले दिनों में मैं और वो करूँगा क्योंकि जाहिर बात है ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है. वनडे जब स्क्वाड अनाउंस होगी तो उसके ऊपर भी मैं तबसरा करूँगा कि पाकिस्तान ने क्या सही टीम चुनी है और अगर नहीं की कौन से प्लेयर्स होने चाहिए थे होंगे या नहीं हैं होंगे उन सब के ऊपर हम तबसरा करेंगे जब वंस वनडे और T20 टीम अनाउंस हो जाएगी. अल्लाह करे कि पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप में जो ओमान में हो रहा है उधर वो जीते. पाकिस्तान की टीम वहाँ से भी बहुत इमर्जिंग प्लेयर्स मुझे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं. मैं नेम बाद में लूँगा, अभी मैं नहीं बता रहा उन सब के नाम. मुझे लगता है कि उनको भी पाकिस्तान टीम में होना चाहिए. तो ये था मेरा अब तक का सब तबसरा. इंशाल्लाह देखेंगे अगली वीडियो में जब वो वनडे टीम्स अनाउंस होते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर. टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड लाइकिंग मैक वी लॉग्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू.